हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग is a very important managerial function. It is concerned with taking necessary measures or preventive actions to ensure achievement of organizational goal. तो students, सबसे हमारा जो last function है management का controlling, उसमें basically हम क्या करते हैं, हम प्लैंड परफॉर्मेंस को, प्लैंड परफॉर्मेंस मींस जिसके बारे में हमने प्लानिंग मतलब स्टैंडर्ड्स मेज़र किए थे, प्लैंड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। बेसिकली मीनिंग जो है, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लैंड परफॉर्मेंस। कि सबसे पहले जो हमने प्लानिंग की थी कि हमें 100 यूनिट्स पर डे में प्रोड्यूस करनी है, या फिर हमें क्या कहते हैं 200 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करनी है, या फिर हमें एक घंटे में इतना काम कंप्लीट करना है, ये हमारे क्या थे, प्लैंड परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और एक होता है हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअली जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने कितना प्रोडक्शन कंप्लीट किया एक दिन में या फिर एक घंटे में। हम उन्हें कंपैरिजन करते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस, अगर उसमें कोई हमें डिफरेंस या कोई डेविएशन मिलता है तो हम उसके रीज़न को फाइंड करते हैं। देन फाइंडिंग द रीज़न फॉर सच डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजन्स सो डैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग में बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हम प्लैंड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर उनमें कोई डिफरेंस हमें नज़र आता है तो हम उस डिफरेंस के रीज़न को ढूंढते हैं और करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर्स से उसे बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो हमारे क्या कहते हैं प्लैंड और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच कोई भी डिफरेंस ना शो हो पाए। कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग वैसे तो फिफ्थ फंक्शन है, बट ये लास्ट फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग। इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट साइकिल प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग से दोबारा से वो रिसाइकिल्ड होके दोबारा से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अगेन प्लानिंग से। स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप एज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लैंड परफॉर्मेंस। खाली इसमें कंट्रोलिंग में हमारा यही काम नहीं है कि हम सिर्फ कंपेयर करें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस से, बट इट ट्राइज टू फाइंड द रीज़न एंड सोल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम ऑल्सो। तो उसमें हम प्रॉब्लम्स को, रीजन्स को फाइंड आउट करते हैं कि किन रीजन्स की वजह से हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लैंड परफॉर्मेंस से मैच नहीं हुई, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द प्लैंड आउटपुट इज 1000 यूनिट एंड द एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट, देन कंट्रोलिंग फंक्शन विल लुक फॉर द रीजंस ऑफ दिस डेविएशन, कि जो 200 यूनिट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए उसके पीछे क्या रीज़न था। इफ द रीज़न इज फॉल्ट इन मशीनरी और इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, देन द करेक्टिव मेजर्स आर टेकन बाय instructing the maintenance department to keep regular check of machinery, and if it is due to inefficiency of worker then they are sent for training so that they efficiency can be improved. तो इसमें अगर मान लो दो चीज़ों का फॉल्ट हो सकता है, अगर मशीनरी में फॉल्ट है तो हम जो हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको बोलेंगे कि वो रेगुलर मशीन्स को चेक करते रहे ताकि वो एफिशिएंसी से ही काम करती रहे, और अगर ये वर्कर की इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो उसे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करा के उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन के हमारे दो आस्पेक्ट हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव एंड
strategies are the plans are because sometime there can be deviation in actual performance and planned performance due to plans and strategies. जैसे कि हमने कोई प्लान किया है, लेट प्लान आउटपुट है 100, एक्चुअल आउटपुट है 120. इन दिस केस मिसमैच इज़ ड्यू टू अंडर एस्टिमेट ऑफ प्लान. कई बार होता है कि हमें जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो कई बार अंडर एस्टिमेट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको प्लान को किया कि हमने प्लान किया कि 100 यूनिट्स को ही हमें आउटपुट हो जाना चाहिए, बट जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है वो 100 से ज़्यादा है. तो अंडर एस्टिमेट को भी हमें दोबारा से उसको जब नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करते हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है. ऑपरेशनल आस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डेट इज़ टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़. मतलब इसमें कि किस वजह से मिसमैच हुआ है, कहाँ वो फॉल्ट हुआ है. इन बोथ द आस्पेक्ट द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स ऑफ फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर. तो बेसिकली जो हमारा स्कोप है कंट्रोलिंग का, वो एक वाइड है. वो सिर्फ उसमें हम यही काम नहीं करते हैं कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशन का पता लगाते हैं, बल्कि हम उसमें डेविएशन को फाइंड आउट भी करते हैं, उनके रीजंस को भी ढूंढते हैं, और इवन फ्यूचर में वो रीजंस या वो डेविएशंस ना आए, उसके रिलेटेड जो भी करेक्टिव मेजर्स है, करेक्टिव एक्शंस हैं, उन्हें भी हम फॉलो करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. पॉइंट नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कैसा है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन. कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द प्लान और वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर प्लान एंड प्लान ऑलवेज एम टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो जो हमारा मेन फोकस है कंट्रोलिंग का, वो क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किया जाए. कंट्रोलिंग इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन, मीन्स एक यूनिवर्सल फंक्शन है. कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप मैनेजर. टॉप लेवल मैनेजमेंट का या मैनेजर्स का ही काम नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल थ्री लेवल्स, ऑल लेवल्स, टॉप लेवल हो या फिर मिडल लेवल हो या ऑपरेशन लेवल हो, सभी में कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. मतलब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. कैसे? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज दे कंपेयर प्लान्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस. जो हमने पास्ट में हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस के मतलब स्टैंडर्ड्स मेजर किए थे, उन स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है. दे हैव टू लुक बैक टू दी परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन. और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाई कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यूचर. मतलब सिर्फ ये खाली जो पास्ट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने पर ही ख़त्म नहीं होता, बट विद फ्यूचर, बट इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू रिमूव द रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स. दिस फंक्शन मेक श्योर डेट प्लान्स आर परफॉर्मेंस मैच इन फ्यूचर. तो बेसिकली मैं दोबारा से फिर एक बार बताऊँ आपको कि इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, हमारी जो आज की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे पास्ट जो हमने पहले प्लान परफॉर्मेंस की थी, जो हमने स्टार्टिंग में काम को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग की थी, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं. तो सो डैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग. एंड सिर्फ उनको कंपेयर करने से ही हमारा काम ख़त्म नहीं होता, उससे रिलेटेड जो भी उसको मतलब मेजर्स कि उसको रिमूव कर सकें रीजंस को, प्लान के फेलियर्स को, वो भी हम इसमें लेते हैं, जिससे कि इसको हम काज कह सकते हैं कि इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब. ये सिर्फ एक बार करने वाला जॉब नहीं है. इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. इट इज़ कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग. जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक हमारी कंपनी चलती रहेगी, कंट्रोलिंग फंक्शन चलता रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक इन कंट्रोलिंग चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. व्हेन द प्लान्स आर मेड इन ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर डायरेक्टेड
टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन एनश्योर डैट ऑल द एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज ऑन द पथ ऑफ प्लानिंग. तो स्टूडेंट्स कि जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो उसके, और कंट्रोलिंग फंक्शन ही ये इंश्योर करता है कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने स्टैंडर्ड्स पहले से सेट किए हैं, प्लान्ड करी है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद अगर उनमें कोई डिफरेंसेस है, कोई डेविएशन है, तो उसे फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड करेक्टिव मेजर्स को फॉलो करते हैं. When all the activities are going according to plan, अगर सारी activities plan के according होंगी, then automatically these will direct towards the achievement of organizational goal. Judging accuracy of standard, मतलब जो हमारे standards हैं उनको भी judge करते हैं कि वो accurate हैं या नहीं है. Through strategic control, we can easily judge whether they are standard or target set are accurated or not. जैसा कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हमने प्लैंड आउटपुट था 100 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट था 120 यूनिट्स. तो अगर हमारा प्लैंड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से कम है तो डैट मीन्स हमने जो स्टैंडर्ड्स मेज़र किए थे वो हमारे, हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया, तो उन्हें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब हम स्टैंडर्ड्स को भी टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं टू मैच देम विद एनवायरमेंटल चेंजेस. जैसे कि इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हाउ इज द प्रोडक्शन गोइंग ऑन. सर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वर्कर्स हैव अ डेविएशन ऑफ 10-20 यूनिट्स पर डे. ओके, देन रिड्यूस द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय 20 यूनिट्स. कि मतलब अगर मान के चलो हमारा कम चल रहा है पर डे, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को कम कर देते हैं, और अगर लगता है कि नहीं हमने हमने प्लान किया था 10 यूनिट्स और वो प्रोडक्शन हो रहा है 20, तो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं. तो हम टाइम टू टाइम जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी हम चेंज और रिवाइज करते रहते हैं. मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक ट्रैफिक सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल काम करता है ना, ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि मतलब जो रोड पे ट्रैफिक्स होता है कि भाई वो थोड़े थोड़े ट्रैफिक को करके चलाता रहता है. जैसे एक रेड लाइट से भाई 30 गाड़ियाँ आगे निकल गई, फिर अगली रेड लाइट उन्हें रोक देगी पिछली वाली, मतलब उस पूरे ट्रैफिक को डिवाइड करके वो चलाता है. मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक आगे गया, फिर वो अगली रेड लाइट भी रुकेंगे, अगली रेड लाइट भी रुकेंगे, तो एक ही जगह पे जो जाम का सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा. तो ठीक वैसे ही लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन दी राइट ट्रैक, उसको राइट ट्रैक पे रखते हैं. ईच एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, सारे के सारे जो काम होते हैं, परफॉर्मेंस होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो हमने पहले से डिटरमाइंड किया है. एज अ रिजल्ट देयर इज द मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. नंबर 4, इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, जो एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन है वो भी इससे इम्प्रूव होता है. एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, अगर हम इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट्स करता है, कम्युनिकेट्स द गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज टू सबॉर्डिनेट्स वेल इन एडवांस. मतलब सबसे पहले सारी चीज़ें एम्प्लॉइज़ को एडवांस में ही बता दी जाती हैं, सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज़ को, कि हमारे मतलब क्या हमारा गोल है, क्या हमारा मतलब क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स है, किसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है. द गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड्स एम्प्लॉइज टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. दीज फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. एनश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब कंट्रोल से क्या होता है, अगर मान के चलो हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ डेविएशन आ रहा है, तो उस डेविएशन की वजह से जो भी हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मेथड्स हैं, वो ऑर्डरली और डिसिप्लिनली फॉलो होते हैं. जो सभी वर्कर्स होते हैं वो डिसिप्लिनली ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबॉर्डिनेट अंडर चेक एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली.
अगर उनको प्रॉपरली हम उन पर कंट्रोलिंग करेंगे, उनको टाइम टाइम उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहेंगे, तो दी मीन्स दे परफॉर्म देयर फंक्शन इफेक्टिवली एफिशिएंटली. शार्प कंट्रोल कैन हैव अ चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड अ फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉइज. स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर एम्प्लॉइज वर्क ऑन कंप्यूटर मॉनिटर विच ब्रिंग्स मोर ऑर्डर और डिसिप्लिन इन वर्क एनवायरनमेंट. इससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी कुछ ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन मैनर में कंप्लीट होगा. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कंट्रोलिंग प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम स्टैंडर्ड्स को सेटअप करें. स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट्स और द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. ये वही स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर या कंपेयर करेंगे. द स्टैंडर्ड्स बिकम बेसिस फॉर कंपेरिजन्स एंड द मैनेजर्स इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल. सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए. हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर नॉट ऑफ नो यूज. स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन द माइंड ऑफ रिसोर्सिस ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप इन न्यूमेरिकल और मेजरेबल आइटम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेल्स कि हमें 20 लाख पर एनम की सेल्स करनी है, वो हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है. स्टैंडर्ड प्रॉफिट कि हमने प्रॉफिट का पहले से ही स्टैंडर्ड कर दिया, हमने 4 लाख, या कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है 5% से. लेकिन कई बार तो होता है कि समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म. कई बार हम जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जैसे कि फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड. क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है? क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम जो मॉनेटरी टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म्स हैं, उसमें हम नहीं मेजर कर सकते. और स्टैंडर्ड्स फॉर मैनेजरल वर्क एक्सेट्रा. द स्टैंडर्ड्स मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू बी अचीव्ड एज फार एज पॉसिबल. द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप फॉर शॉर्ट टर्म. If long-term standards are set up, they must be divided into short-term. For example, standard sale, मतलब पूरे साल की हमने sales per annum कर ली है 12 lakh rupees, तो उसका per month कितनी हो गई हमारी 1 lakh rupees, ताकि उसको monthly ही हम उसका comparison करके check कर सकें. क्योंकि अगर उसको yearly check करेंगे तो yearly check करने में तो क्या होगा, उसमें deviations का हमें पता नहीं लगेगा और we have no time to follow up corrective action. और उसके बाद हमारा काम क्या है कि टाइमली हम उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो भी एरर्स हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं तो उसके अंदर कोई भी एरर डिटेक्ट होता है तो टाइमली उसमें एक्शन ले सकते हैं और उन्हें रिवाइज़ भी किया जा सकता है. अगर हमें लगता है कि नई स्टैंडर्ड हमने बहुत ज़्यादा रख दिया है, वो अचीवेबल नहीं है, तो हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं. और अगर हमें लगता है कि नहीं, हमने स्टैंडर्ड तो जो अंडर एस्टिमेट किया है, तो उसे हम इनक्रीज़ भी कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेस मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे हमने हम सेटअप कर लेंगे स्टैंडर्ड्स को, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉई. अब उन्होंने जो एक्चुअली वर्क डन किया उसे इवेल्युएट करेंगे. व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस. अगर न्यूमेरिकली उससे पॉसिबल है तो न्यूमेरिकली ही हम उसको मेजर करेंगे. वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज केप्ट इन माइंड. समटाइम्स एम्प्लॉई अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड. डेट इज़ वाई वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो मेजर्ड. कि हमें सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना है कि एक एम्प्लॉई ने हमारी इतनी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर लिया, 200 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर लिया. हमें उसकी क्वालिटी भी देखनी है कि उसने जो प्रोडक्शन किया है उसकी क्वालिटी कैसी है. सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स आर फिक्स्ड टू मेजर द क्वालिटी स्टैंडर्ड व्हेन नंबर ऑफ रिजेक्शंस और सेल्स रिटर्न इंक्रीजेज. अगर हमारे पास जो रिजेक्शंस हैं या हम जो गुड्स को बेचते हैं, प्रोडक्ट हमारा वापस, उसकी सेल्स रिटर्न ज़्यादा हैं, तो हमें स्टैंडर्ड्स पे भी, जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा. इट इंडिकेट्स लो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाई चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाई चेकिंग द सोलवेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियोज एक्सेट्रा एंड द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड पीरियोडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कि हमें जो परफॉर्मेंस है उसे पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद और शॉर्टली शॉर्ट पीरियड में करना चाहिए. जैसे मान के चलो एवरी वीक, एवरी 10 days, एवरी हाफ मंथ या एवरी मंथ. अब हमारे पास स्टूडेंट्स दो चीज़ हो गई हैं. पहले तो हमने सेटिंग अप स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया, उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया. तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. कि हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेज़र किया है उसे हम स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे. आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लैंड परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स. इफ़ देयर इज मैच इन बोथ, अगर दोनों में मैच है तो ठीक है, देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स देयर ओनली. तो वहीं पे हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. बिकॉज जो हमने प्लान किया था वही हम क्या कर चुके हैं, वही हम अचीव कर चुके हैं. बट इफ़ देयर इज मिसमैच, इफ़ देयर इज मिसमैच और डेविएशन, देन द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन. अगर हमारा उसमें कोई भी मिसमैच हो रहा है, कोई डेविएशंस आ रहे हैं, तो हमें उन डेविएशंस को बिल्कुल डिटेल में, डिटेल से उनके बारे में उनको फाइंड आउट करना होगा. इफ़ द डेविएशन इज़ माइनर, अगर कोई छोटा मोटा डेविएशन है, देन इट शुड बी इग्नोर्ड. अगर उसको इग्नोर, जैसे मान के चलो हमने सेटअप किया था कि हमें 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, बट हम प्रोड्यूस कर पाए हैं सिर्फ 95 यूनिट्स या 98 यूनिट्स, 99 यूनिट्स, तो उसमें जो माइनर डेविएशन है उसे हम इग्नोर कर देंगे. बट इफ डेविएशन इज मोर, देन टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनालाइजिंग ऑफ, एनालाइजिंग डेविएशन. ऑल डेविएशंस नीड नॉट टू ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. कि हमें सभी डेविएशंस को टॉप लेवल मैनेजमेंट के नोटिस में डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड द रेंज शुड बी ब्रॉट टू नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. कि हमें एक रेंज, एक क्राइटेरिया बनाना होगा, उस क्राइटेरिया से, उस रेंज से ज़्यादा अगर बियॉन्ड कोई केस जाता है तो वही हमें सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में डालना होगा. दे मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन टू कैटेगरीज. अब इसके हिसाब से हम डेविएशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वन कैटेगरी एंड माइनर और इनसिग्निफिकेंट डेविएशंस इन अदर कैटेगरी. मतलब ज़्यादा अर्जेंटली अटेंड करने हैं वो एक अलग कैटेगरी में, और कोई माइनर या इनसिग्निफिकेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन्हें अदर कैटेगरी में. अब इसमें क्या आ गए हमारे पास, नंबर वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, KRA जिसको हम बोलते, सॉरी KRA मीन्स, इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन द सम की एरियाज, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली. तो उन्हें हम अर्जेंटली ही अटेंड करेंगे. जैसे कि की एरियाज आर द दोज विच हैव इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा. इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 rupees पर यूनिट, अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 rupees पर यूनिट बढ़ जाती है तो, एंड देयर इज अ इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट बाय 200 rupees 20, देन मोर फोकस शुड बी फाइंड आउट रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट विल इफेक्ट द प्रॉफिट एंड द फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट होने वाला है. तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है मीन्स, इट मीन्स मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफाइड रेंज, जो हमारे डेविएशन स्पेसिफाइड रेंज से कम ही है, मतलब जो माइनर है, तो उसे ओनली बी हैंडल बाय मैनेजर, मैनेजर ही उसे हैंडल करेगा. अ मिनट और माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड, छोटे मोटे उनको इग्नोर किया जाएगा. मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम टू एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ माइनर डेविएशन, रैदर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशन ऑफ हाई डिग्री. मतलब हाई डिग्री जो हमारे डेविएशन है उन्हीं पे ही वो टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, और जो माइनर्स हैं उनको सॉल्यूशन के लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. स्टेप नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव मेज़र. मतलब हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया, उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया. नंबर 3 पे हमने फाइंड आउट डेविएशन, उनको कंपेयर किया.
और फिर हमने उनको डेविएशन को एनालाइज़ किया। अब नंबर 5 पे आता है हमारा टेकिंग करेक्टिव मेज़र ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजंस फॉर सच डेविएशन एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशन इन फ्यूचर। द मैनेजर टेक्स मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक, सब कुछ ट्रैक पे वापस आ जाए अकॉर्डिंग टू प्लान। टेकिंग करेक्टिव मेजर में इन्वॉल्व, नंबर 1 पॉइंट A, लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ द डेविएशन आर माइनर। माइनर अगर डेविएशन है तो सब कुछ सेम जैसा चल रहा है चलने दो। रीडिजाइन और रीफ्रेम द प्लान्स और स्ट्रेटजीज इफ दीज आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम उसको दोबारा से अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं, उसको हम रीडिजाइन या रीफ्रेम कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, कि जो अगर हमारे जो प्रेजेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके डे के अकॉर्डिंग अगर वो मिसमैच है तो। टेकिंग करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो डैट इन फ्यूचर इट मैच विद द प्लान। और हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए सारे वो स्टेप्स उठाएंगे जिससे वो इम्प्रूव हो सके, ताकि फ्यूचर में जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो प्लान के अकॉर्डिंग मैच हो सके। जनरली द मैनेजर टेक्स मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सच एज सेंडिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेज कर ताकि जो इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस थी वो दूर हो सके। गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड इन इफ़ डिले द परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस डिले हो रही है तो मशीन्स को टाइम से रिपेयर कराएं, उसके सभी फॉल्ट्स को हम दूर करवा पाएं। और जो भी हमारे पास क्या कहते हैं सुपरवाइजर्स हैं उनको मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि वो उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर डिले हो रहा है केयरलेसनेस या फिर लेजीनेस की वजह से तो समटाइम द मैनेजर हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स अगेंस्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट रियलिस्टिक और अचीवेबल। अगर हमारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हम जो अचीवेबल ही नहीं हैं अगर वो बना देते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। दिस रिविज़न ऑफ स्टैंडर्ड, उस अगर हम स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ कर रहे हैं इट्स कॉल्ड डाउनवर्ड रिविज़न बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर रिड्यूस टू मेक देम रियलिस्टिक और अचीवेबल। समटाइम्स द परफॉर्मेंस इज हायर देन द सेट स्टैंडर्ड्स, इन दैट केस अपवर्ड रिविज़न ऑफ प्लान इज डन एंड प्लान्स आर सेट एट हाई रेट सो डैट दे मैच विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। द मैनेजर मस्ट टेक द करेक्टिव मेजर्स ओनली by finding the root cause of the deviation। जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि किस वजह से deviation आए हैं तो वो उसको दूर नहीं कर पाएंगे। Last step, feedback in controlling। The controlling function does not end by taking corrective action। बस corrective action लेने से ही हमारा जो controlling function नहीं ख़त्म होता। As it is a continuous process, ये continuous process है। After suggesting the corrective measure, a feedback report is prepared। Feedback refers to the list of reasons for deviation, कि किस किस रीजन से वो deviations आए हैं of plan और inefficiency in overall working of organization। Along with reasons, the corrective measures are also specified in the feedback report, कि उसके लिए हमें उसको correct करने के लिए कौन कौन से measure, कौन कौन से steps को हमने follow किया। As the base of establish the standards for next year, और यही वो रिपोर्ट है जिसके फीडबैक है जिसके जिसको बेस लेकर हम जो न्यू स्टैंडर्ड्स अगले साल के लिए न्यू स्टैंडर्ड्स हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हमें इजी रहे। एंड द कंट्रोलिंग प्रोसेस अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, कंट्रोलिंग प्रोसेस दोबारा फिर फर्स्ट स्टेप से हमारी जो स्टार्ट हो जाती है मींस सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्चुअल मेजर, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ बोथ एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन, फिर क्या कहते हैं हमारा मेजरिंग या फिर फॉलो अप, करेक्टिव मेजर्स एक्सेट्रा। तो डेविएशन इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे प्लान किया था हमने 100 यूनिट्स का, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई हमारी 120, तो यहाँ पर डेविएशन पॉजिटिव है। और अगर हमने प्लान किया था 100 यूनिट्स का और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है 80 यूनिट्स, तो यहाँ पर डेविएशन है माइनस 200 यूनिट्स। तो ये लेस देन भी हो सकती है एक्चुअल परफॉर्मेंस से और मोर देन भी हो सकती है। और कंट्रोलिंग प्रोसेस सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स,
मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेरिजन परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और दोबारा से फीडबैक वो पहले से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। एक छोटा ही चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। प्लीज़ आप इसको अच्छे से एक बार रीडिंग करें, उसके बाद इस वीडियो को सुनें, और अपनी कॉपी में जो भी हमारे इसके जो चैप्टर है उसको नोट्स मेकिंग की फॉर्म में नोटबुक में नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।